आप देख रहे हैं TNB। आप दिल्ली में रहते हैं, बाहर घूमते हैं, जाते हैं, कितना सेफ फील करते हैं अपने आप? मतलब अगर मैं बाहर घूम रही हूँ तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोगों की आंखें मुझे सेफ फील नहीं करने देती। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई आंखें तो देखने के लिए दी हैं, देखेंगे ही। तो अपनी मम्मा को देख लो, अपनी बहनों को देख लो, दूसरी को क्यों देख रहे हो आप, अपने आप को देखो। कपड़ों को लेके बहुत सवाल उठते हैं कि छोटे कपड़े पहने हैं, टाइट कपड़े, फिटेड कपड़े पहने हैं। रेप तो 3 मंथ 6 मंथ ओल्ड का भी होता है, वो क्या कपड़े पहनते हैं, वो तो ना दिखा रहे कपड़े ना कुछ, उनकी क्या गलती है। लोगों की मेंटालिटी जब तक चेंज नहीं हो सकती तब तक गवर्नमेंट लॉज कुछ भी ठीक नहीं कर सकता इसको। तो मतलब कहीं ना कहीं थिंकिंग में ही, सोच में ही गलती है। मतलब अगर मैं बचपन से देख रही हूँ अपने मम्मी को वैसे कपड़े पहनते हुए, तो मेरे लिए तो वो एक्सेप्टेबल है ना कि हाँ ठीक है पहन सकते हैं। मेरा भाई भी देख रहा है, सब देख रहे हैं। पता है आज की डेट में ना जो लड़कों के दिमाग में गलत आते हैं, कहीं ना कहीं उनको न्यूज़ के थ्रू ये पता है हम कुछ भी कर ले बच जाएंगे। ऐसे बंदे पुलिस में होंगे तो अगर सच में कोई केस हो जाए वो 2 घंटे में पहुंचेंगे। एकदम से एक्शन, इंस्टेंट एक्शन और इंस्टेंट पनिशमेंट्स मिलेगी तब लोग डरना शुरू करेंगे, अभी लोगों के अंदर डर ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB, मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। आज 16 दिसंबर है और ये एक ऐसी तारीख है जिसे आने वाले सालों तक या कहीं की इतिहास में भी इसको एक काले दिन के रूप में, काले दिवस के रूप में जो है वो जाना जाएगा। आज ही के दिन दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरी दिल्ली को, पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। आज ही के दिन निर्भया केस हुआ था और उसके बाद लगातार आवाज़ें उठती रही थी और उसके बाद आज तक वुमेन सेफ्टी का जो एक सवाल है वो आज तक जस का तस बना हुआ है। अब इसी विषय को लेकर हम दिल्ली के महिलाओं के बीच जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है और वो अपने आप को कितना सेफ फील करती हैं दिल्ली के अंदर। हमारे साथ दो गर्ल्स हैं, वुमेन सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम में और इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि 10 साल आज हो चुके हैं निर्भया केस को, इन्हीं से जानते हैं। आप दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सानिया। सानिया जी, ये बताइए कि आप दिल्ली में रहते हैं, बाहर घूमते हैं, जाते हैं, कितना सेफ फील करते हैं अपने आप? सेफ इन द सेंस, मतलब अगर मैं बाहर घूम रही हूँ तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोगों की आंखें मुझे सेफ फील नहीं करने देती। लड़कों की आंखें, आदमियों की आंखें, दे डोंट लेट मी फील सेफ। तो इसका क्या मतलब, कैसे इस चीज़ से? क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई आंखें तो देखने के लिए दी हैं, देखेंगे ही। तो अपनी मम्मा को देख लो, अपनी बहनों को देख लो, दूसरी को क्यों देख रहे हो आप, अपने आप को देखो। तो इसके लिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जैसे निर्भया केस, हम सभी उससे परिचित हैं, कितना कुछ हुआ था उस टाइम पे और अब भी लगातार एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं, तो इससे किस तरीके से जो दिल्ली है उसको सेफ किया जा सकता है, क्या ऐसा किया जाए, क्या स्टेप ऐसे गवर्नमेंट को या हमारे लॉज में क्या कमियां हैं जिसको पूरा होना चाहिए? मेरे ख्याल से लॉज की कमी या गवर्नमेंट की कमी से ये प्रॉब्लम नहीं आती है, मेन प्रॉब्लम इज़ लोगों की मेंटालिटी। लोगों की मेंटालिटी जब तक चेंज नहीं हो सकती तब तक गवर्नमेंट लॉज कुछ भी ठीक नहीं कर सकता इसको। और आई गेस ये ग्रेजुअली चेंज होगा, जनरेशन के थ्रू चेंज होगी ये मेंटालिटी लोगों की। अगर हम सोचें विद अ लॉ या किसी के, एक के इंसान के कह देने से किसी की मेंटालिटी पूरी, उसके जो उसने थ्रू आउट लाइफ अपना सीखा है वो चेंज हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता है। मतलब पर्टिकुलर हर इंसान को खुद को चेंज करना पड़ेगा तभी चीज़ें चेंज। अच्छा, एक मुद्दा ये भी उठता है कि कपड़ों को लेके बहुत सवाल उठते हैं कि छोटे कपड़े पहने हैं, टाइट कपड़े, फिटेड कपड़े पहने हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है देखने का या गंदी नज़र से देखने का? बट मैं एग्री नहीं करती इससे, क्योंकि हमारी तो इंडियन कल्चर में लहंगे, साड़ी, ब्लाउज, तो उसमें तो हमारी स्किन रिवील होती है ना। मतलब अगर कोई साड़ी के साथ छोटा ब्लाउज भी पहन रहे तो वो एक्सेप्टेबल है, बट अगर हम नॉर्मल उसमें पहने तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं थिंकिंग में ही, सोच में ही गलती है। मतलब अगर मैं बचपन से देख रही हूँ अपने मम्मी को वैसे कपड़े पहनते हुए, तो मेरे लिए तो वो एक्सेप्टेबल है ना कि हाँ ठीक है पहन सकते हैं। मेरा भाई भी देख रहा है, सब देख रहे हैं। तो मतलब अगर लड़कों को यही बचपन से सिखाया जाए कि हाँ ठीक है कपड़े, लड़के भी नहीं आजकल, मतलब थोड़ी जो ओल्ड जनरेशन के अंदर लड़कियाँ भी बड़ी होती हैं, उनको भी यही सिखाया जाता है कि तुम गलत कपड़े पहन रहे हो, ऐसे पहनो, वैसे पहनो, पूरे कपड़े पहनो, तो मतलब उसमें कपड़ों की तो कोई गलती ही नहीं। अच्छा हाँ, वही चीज़ सवाल है कि क्या कपड़े एक रीज़न है फॉर केसेस, रेप केसेस या कोई और घटना है, छेड़छाड़ ऐसा कुछ? रेप तो 3 मंथ 6 मंथ ओल्ड का भी होता है, वो क्या कपड़े पहनते हैं, वो तो ना दिखा रहे कपड़े ना कुछ, उनकी क्या गलती है। मतलब
सिक्स मंथ ओल्ड हो, एक साल की, दो साल के, मतलब लड़कियों की तो कोई, लोगों की ये मेंटालिटी है जो लोग ऐसा कहते हैं, बहुत सारे ये पता होना चाहिए ना कि मतलब छोटे से छोटे बच्चे का भी रेप हो रहा है तो मतलब उसके अंदर कपड़ों की तो कोई गलती नहीं, पता यहीं से पता चल जाता है। जब एक बच्चा जो बोल भी नहीं सकता उसके साथ इतना गलत हो सकता है तो फिर तो कपड़ों का तो कुछ है ही नहीं रोल। तो कैसे ये चेंजेस आएंगे, कैसे हमारा, और क्योंकि दिल्ली है बहुत बाहर से लोग भी आते हैं, यहाँ रहते भी हैं लोग, बहुत क्राउड आता है, हम सेंट्रल दिल्ली में इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर भी डेली लाखों हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, तो ये चेंजेस कैसे होंगे? क्योंकि अब जो है वो दिल्ली काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों में आने लगी है, रिसेंटली भी केसेस इतने हो चुके हैं, कैसे ये चीज़ें बंद होंगी? पहली बात तो मेंटालिटी का है ही, दूसरी बात एक एग्ज़ाम्पल सेट करना पड़ेगा। जैसे निर्भया केस इतने साल अब जाके मतलब उनके हैंग हुए थे मेंबर जो थे कल्प्रिट्स, एकदम से एक्शन, इंस्टेंट एक्शन और इंस्टेंट पनिशमेंट्स मिलेगी तब लोग डरना शुरू करेंगे। अभी लोगों के अंदर डर ही नहीं है, उनको लगता है कि अच्छा हमने ये कर दिया हम फ्री हो जाएंगे, हम बच जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स लगा लेंगे, कोई वो कोई पनिशमेंट ही नहीं है उनके लिए, फास्ट पनिशमेंट नहीं है। हाँ, मतलब एकदम से एक्शन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को लेके। अगर आप इतना लंबा ही केस खींचेंगे तो लोगों के मन में डर ही ख़त्म हो जाएगा इन चीज़ों को लेके, वो लोग इतने सीरियस ही नहीं होंगे विमेन सेफ्टी को लेके। तो अगर गवर्नमेंट कोई एक्शंस लेगी, रिस्पॉन्सिव बनेगी इन सब चीज़ों को लेके, तो ये सब कंट्रोल में आ सकता है। तो आप, मैं आपका एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से यही पूछना चाह रही हूँ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए फॉर वुमेन सेफ्टी, गवर्नमेंट की तरफ से या पब्लिक की तरफ? गवर्नमेंट, पब्लिक, सब। मैंने सुना है कि दुबई में रूल्स हैं कि अगर आप मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो स्ट्रिक्ट रूल्स अगर होंगे, जैसे हमने बात करी कि रिस्पॉन्सिव होगी अगर गवर्नमेंट जल्दी एक्शंस लेगी, तो अगर गवर्नमेंट जल्दी एक्शंस लेती है तो उससे चेंजेस आ सकते हैं। बट अगर मेन पॉइंट तो यही है कि लोग अपनी मेंटालिटी चेंज करें तो ही कुछ हो सकता है कंट्री में, अदरवाइज नहीं हो सकता। आप क्या सोचते हैं? मतलब सेम कंटेक्स्ट ही है, मतलब एक ही सोल्यूशन है इसका। और मतलब जो बड़े लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा अपनी थिंकिंग चेंज करनी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो बड़े कर रहे हैं। तो अगर एज ए एडल्ट मेरे घर में कोई लड़का कुछ गलत कर रहा है एंड मैं उसको कहूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, लड़का है, चलता है, वहीं मैं गलत हूँ, तो सबसे पहले बड़ों की थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। फिर सबको लेके चलना पड़ेगा। हाँ जी, लोगों से मांगने की जगह ना अपनी एक रेपुटेशन बरकरार रखनी चाहिए। देखिए, मैं 6 साल हो गए मैं यहाँ रहती हूँ, मैं कनाडा में रहती हूँ, मैं अभी 6 साल बाद यहाँ आई हूँ, लेकिन यहाँ का माहौल वैसे का वैसा ही, कोई खास फर्क नहीं। एक चीज़ ज़रूर है, इंटरनेशनली रिस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी ये इंडियंस की मोदी की वजह से। जहाँ भी जाओ ना, आप लोगों को पता होता है ओके यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी है, योगी, लोगों को मालूम है। थोड़ा बहुत केजरीवाल को भी जानते हैं, थोड़ा बहुत लोग केजरीवाल को भी जानते हैं। अच्छा, आप दिल्ली से हो, हाँ तो केजरीवाल है, वैसे करता केजरीवाल कुछ भी नहीं है, जीरो है, भी पता नहीं कैसे। मुझे तो अभी भी नहीं लगता, एक तो हमारे न्यूज में भी कमी आएगी, एक न्यूज को खींचते जाएंगे बिना जाने बिना परखे, लेकिन बिना न्यूज में आने के बाद तो लोगों को भी जानकारी मिल जाती है ना। अनलिमिटेड आप लेके जाते हो, अनलिमिटेड लेके जाते हो, अनलिमिटेड लेके जाते हो। एक ही चीज़ को अगर आप कहते हैं ना, 100 बार भी झूठ को बोला जाए तो सच लगने लगता है। अगर न्यूज़ वाले भी थोड़े अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें तो बहुत कुछ रुक सकता है। लोगों को मालूम, पता है आज की डेट में ना जो लड़कों के दिमाग में गलत आते हैं, कहीं ना कहीं उनको न्यूज़ के थ्रू ही ये पता है हम कुछ भी कर ले बच जाएंगे। कोई ना कोई साला पार्टी आ ही जाती है मुँह उठा के उनको सपोर्ट करने के लिए। अभी केजरीवाल ने भी तो निर्भया हत्याकांड वाले लड़के को सिलाई मशीन दी थी, क्यों नहीं उसे फांसी पहना था? 18 साल से छोटा है, क्यों? नहीं, रिश्तेदार लग रहा है, हरकतें तो 18 साल से छोटे वाले ने उससे ज्यादा करी थी, तो क्यों नहीं उसे टांगा? बाकियों ने कम किया था क्या? दोनों उन, जब आप हरकतें सबकी बराबर है तो इनजस्टिस अलग अलग क्यों? उसको सिलाई मशीन दे रहे, उसको करियर बना रहे, वही वही न्याय व्यवस्था ठीक ही नहीं है। हाँ, वो मुझे लगता भी नहीं आगे 50 साल तक ठीक होने वाली। अच्छा, पढ़ने के लिए माँ बाप भेजते हैं, ठीक है, वो आके आप देखोगे कभी दिल्ली के अंदर जो लड़कियाँ जो हम लोग के एज
होती हो, कैसा होते हैं, चाहे जो भी हो, वो लोग इतना वो नहीं करेंगे जितना बाहर के आके शो ऑफ करते हैं। बहुत आगे कि हाँ भाई राजधानी है तो हम चाहे जैसे घूम सकते हैं, जैसे रह सकते हैं। आप एक बार ना हौस खास में जाके देखो, 90% आपको लड़कियाँ वो मिलेंगी जो यहाँ स्टूडेंट है या बाहर से आई हुई है। यहाँ की लड़कियाँ घर में ही होती है, क्योंकि सब इतना देखा दिखा ना, इसलिए जिसको भूख नहीं लग रही वो खाने के पीछे नहीं भागेगा, जिसको भूख लगी वो भी भागेगा। इन्होंने देखा नहीं होता तो पागल हो जाता है। ये बहुत बड़ा चेंजेस कैसे आए, क्या इसमें इंस्टीट्यूट है, काफी हद तक तो लड़कियों की भी बहुत गलती है जिस हिसाब से शराब पी पी के घूमना। ऐसा मैं ये नहीं कह रही शराब पीना गलत है, मैं खुद पीती हूँ, दूसरे पे क्या उंगली उठाऊँ, ठीक है। पर पॉइंट ये है कि इतनी लिमिट में आप पियो कि अपने घर तक सेफली पहुँच सको। पी के बेहोश होते हैं, नालियों में गिर रही होती है, आस पास जाके देखो आप, नालियों में गिर रही होती है। इतनी अगर आप लेवल पे कोई भी उठा के ले जाए तो कौन गलत है? आपको अपना तो होश होना चाहिए। तो क्या कर रहे हो आप यहाँ पे खड़े हो? आपको मालूम है ना कहाँ आए हो, कैसे ड्रेस होकर आए हो, आप क्यों नहीं शॉर्ट्स पहन रहे? तो ये भी तो चीज है, माहौल देख के भी तो इंसान। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़कियों की गलती? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियों की गलती होती है, गलती तो दोनों की, मेन होता है पेरेंट्स की गलती, क्योंकि वो अपने बिलीव में बच्चों को भेज देते हैं बड़ा कि आप जाके इस भरोसे से भेजते हैं कि हमारा तोड़ने वाले कौन होते हैं। नहीं, आप ये तोड़ने वाले तो बच्चे होते हैं ना, अपने माँ बाप का भी विश्वास हो रहा है, अपने देश का भी विश्वास हो रहा है, हर चीज का। फिर उनके साथ जो कांड होता है, फिर ये हो जाता है कि सरकार की गलतियाँ नहीं होती, ये अपने घर की गार्डियन की भी गलती है। हमारे मम्मी पापा थे वो कहते थे यार तुम किस ब्रांड के घर हो, ये देखो ना, है ठीक है। आज वो अपने दूसरी सिटी भेज रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए, तुम पीछे से ये तो पता करो, नॉलेज तो नॉलेज बोला आपको चंदा विश्वास। आज की डेट में बहुत बड़ा मसला है, चाहे स्कूल में ही क्यों ना, टीचर कंप्लेंट करेगी ना, पेरेंट्स जाके लड़ेंगे, नहीं हमारा बच्चा नहीं कर सकता, उसको सही गाइडेंस देने के लिए हमारा बच्चा ये नहीं करेगा, सपोर्ट करके उसकी कमियों को बढ़ावा। हाँ, यही है, अगर वहीं पे उसको करेक्ट कर देते हैं तो मुझे लगता है इतनी प्रॉब्लम ना हो। जहाँ तक बात है गवर्नमेंट की, वुमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा एक बड़ा सवाल, लेकिन जवाब किसी के भी पास नहीं। महिलाओं से आज राय जानी गई थी उनकी सुरक्षा को लेकर, जवाब क्या थे ये आप इस वीडियो के माध्यम से सुन ही चुके हैं। कितना सेफ फील करती हैं महिलाएं अपने आप को दिल्ली में दिल्ली की महिलाओं से ही हमने जाना है कि वो आखिर अपने आप को कितना सेफ करती हैं। तमाम तरह की राय निकल के आई हैं, और ये राय क्या हैं, ये वीडियो अगर आपने देखा है तो आप हमें बहुत अच्छे से कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं कि आखिर किस महिला ने क्या बात कही है और उनकी किस बात से आप कितनी सहमति रखते हैं। और साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि माहौल कैसे बदलेगा, कैसे बदलाव आएगा, कमी किसकी है, जनता की, सरकार की, न्याय व्यवस्था की, और कैसे इसका सुधार हो सकता है, क्योंकि मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ना जाने जो अपराध कर रहे हैं उन लोगों को कहां से इतनी हिम्मत मिलती है कि वो लोग अपराध कर रहे हैं, और एक के बाद एक लगातार जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में एक और न्यूज़ आई थी जिसमें फ्लिपकार्ट से एसेट खरीदकर उससे एक महिला पर अटैक किया गया, एक लड़की पर अटैक किया गया। अब ये सवाल उठ रहा है कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्यों उन लोगों में इस चीज़ का डर नहीं है, ये कब जो है ख़त्म होगा, ये सब ये आप हमें बताइए। राय आपकी राय भी मायने रखती हैं, क्योंकि आप भी इस देश का हिस्सा हैं और आप भी जो है वो मुद्दे उठाते हैं। तो आप हमें अपनी राय बताइएगा वुमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा पर क्या बदलाव होने चाहिए, क्या बदलाव हुए हैं और क्या कमियां हैं। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़ दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।